माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन चंगेजी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही कम मसालों में बनता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये कम मसाले वाला आज हम खाना पसंद करते हैं और टेस्टी भी होना चाहिए, इसीलिए मैं ये लेके आई। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे। मैंने ये एक पैन ले लिया है, मैं 4 मीडियम साइज अनियन ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने बड़े बड़े चंक्स में कट किया है, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैं 4 मीडियम साइज टोमेटो, टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। इनको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है। आपको इक्वल अमाउंट में ही दोनों चीज लेना है, अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 टी स्पून ऑयल ले रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। 8-9 कैश्यू नट काजू, यहीं पे 1 टीस्पून मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट, नमक एज पर योर टेस्ट। अब इन सबको मैं एक मिक्स दूंगी और सेमी स्टेज पे मैं यहाँ पे 1 कप वाटर पानी ऐड कर दूंगी। अब इसे मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए और इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक हम अपने मटन तैयार करते हैं, जब तक ये गल रहा है। मैंने एक कुकर लिया है, इसमें अब मैं 1/2 कप ऑयल ऐड कर दूंगी। ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी करें जो आपको पसंद हो, आप रिफाइंड यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है, इसमें मैं अब 1 बेली तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च 7-8 में यूज कर रही हूँ यहाँ पे, सिनेमन, दालचीनी छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं, 3 ग्रीन कार्डमम हरी इलायची एंड 1 टीस्पून क्यूमिन सीड जीरा मैंने ऐड किया है इसमें। यहीं पे मैं क्लोव्स, लौंग 4 ऐड कर रही हूँ। इसको एक मिक्स देके मैं यहीं पे मटन ऐड करूंगी, जो कि है 1/2 kg। इसको मैंने अच्छे से पहले ही से धुल के रखा है और इस मटन को हम इसी में ऐसे ही चला देंगे। और मटन अपना जूस छोड़ता है ना, तो उसको ऐसे ही पकने देंगे जब तक उसका जूस पूरा सूख नहीं जाता है, बीच बीच में चलाते हुए। ये देखिए हमारे मटन का जूस लगभग सूख गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहीं पे हम अपना 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट, नमक एज पर योर टेस्ट, लेकिन नमक कम डालें क्योंकि हमने अपने उस ग्रेवी में भी डाला है, और रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एज पर योर टेस्ट, और इसको भी मिक्स करेंगे। और अब तब तक इसको हम लोग बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये पूरा अच्छे से वो जो है भुन नहीं जाता है, उसकी कच्ची स्मेल नहीं चले जाए। ये देखिए हमारा ये जो ग्रेवी जो हम लोग बना रहे हैं टोमेटो अनियन की, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, आप ठंडा कर लें और फिर उसके बाद इसको ग्राइंडर में करके वो करें। ये देखिए मैंने पीस लिया है, लेकिन मैं इसमें आप 7-8 गार्लिक क्लोव्स, लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ और 6 ग्रीन चिली, हरी मिर्च डाल दें और इसका एक स्मूथ पेस्ट मैं अब रेडी करूंगी। आप साथ में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, जो उसका जिंजर गार्लिक पेस्ट था। अब जो हमने ग्रेवी बनाया है टोमेटो अनियन की, अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगी और इसको एक मिक्स देंगे अच्छा सा, ताकि पूरा मटन हमारा इसी में लपेट जाए, मतलब पूरा एक साथ हो जाए। और उसी में जार में मैंने पानी डाल के इसी में ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा मसाला कोई भी वेस्ट ना जाए, और इसे मिक्स देंगे। अब यहाँ पे मैं प्रेशर लगा रही हूँ, ये हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे हमें पकाना है। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं,
और हमारा मटन रेडी है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए आपका मटन गला है कि नहीं, नहीं तो आप फिर से प्रेशर लगा दीजिए। ये देखिए मैंने फिर से चढ़ा दिया है। और यहाँ पे आप अपने पानी की कंसिस्टेंसी भी इसको ऐड करें, अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप पानी ऐड करें, आपको लाइट लगे तो आप उसको थोड़ा सा जला लें भून के, दो तीन मिनट तक भूने। और फिर देखिए अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, हमारा यमी एंड डिलीशियस मटन चंगेजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।